आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल ननद भाभी में। मैं रुचि आज आपको बताऊंगी कि आप इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जिनका यूज मैं अपनी साड़ी को, दुपट्टे को या फिर अपने सूट को सुंदर बनाने में यूज कर सकती हूँ। मैं आपको बताऊंगी कैसे आप इन गुटकों का यूज कर सकते हैं। आप मार्केट से कुछ फैब्रिक कलर्स ले आइए जो कि आपकी साड़ी से मैच करता हो। वाइट कलर, डार्क गोल्डन कलर, कॉपर कलर या कोई ऐसा कलर जो आपको लगता हो कि आपकी साड़ी पे सूट करेगा। आप उस कलर्स को एक प्लेट में निकालिए और इन गुटकों को अच्छी तरह से उस पर डिप कर लीजिए और धीरे से अपने इस साड़ी पे ऐसे आराम से प्रिंट करते हुए प्रेस करिए और इसे वापस ऐसे हटा लीजिए। वो जो कलर होगा वो यहाँ पे आपके डिज़ाइन बन जाएगा और इन डिज़ाइंस को पूरा करने के बाद आप पेपर पे या किसी चीज़ पे अपनी साड़ी को फैला दीजिए। जब ये प्रिंट सूख जाए, दूसरे दिन जब आप अपनी साड़ी को देखेंगे तो हल्का सा उसे रब करके देखिए। अगर वो कलर सूख गया है तो बस आपकी साड़ी, आपका सूट, आपके दुपट्टा रेडी है आपको पहनने के लिए। अरे वाह भाभी, आपने क्या तरीका बताया। मेरे पास भी ऐसी दो साड़ियां थी पड़ी हुई, प्लेन होने की वजह से मैं उसको यूज ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब आपके बताए हुए तरीके को मैं अपना करके उसको एक नया लुक दूंगी और उसको पहनूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कुछ ऐसा ही प्लेन कपड़ा है आप उसको रीयूज कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक टिप भी देना चाहूंगी, अगर आपके पास साड़ी, सूट, दुपट्टा या बेडशीट इस टाइप के कुछ कपड़े हैं जो कहीं से जल गए हैं या कट गए हैं तो आप उनको फेंकिए नहीं, आप चाहे तो उनको रीयूज कर सकते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। आप चाहे तो उसके ऊपर कोई ऐसे ही फ्लावर का वर्क कर सकते हैं, साचा है आपके पास तो आप इसी तरीके से फ्लावर बना सकते हैं, तो आप पेंटिंग कर सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी आती तो आप उस पर छोटा मोटा काम भी करके उस कपड़े को दोबारा आप काम में ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बहनों को कुछ सिलाई से रिलेटेड काम आता है यानी मशीन चलाना आता है तो मशीन से भी आप अच्छा खासा वर्क कर सकती हैं। इस कपड़े का आप यूज चाहे तो टेबल कवर बनाने में कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन का कवर बना सकते हैं, फ्रिज का कवर बना सकते हैं, मिक्सर का कवर बना सकते हैं, उन कपड़ों का चाहे तो आप पिलो भी बना सकती हैं। इसके अलावा आप चाहे तो सोफे का कुशन भी बना सकती हैं। ऐसे बहुत सी चीजें हमारे घर में इधर उधर बिखरी होती है जिन्हें हम छिपाने के लिए इस कपड़े का यूज कर सकते हैं, उसको ढकने के लिए। देखा कितने सारे काम हम उन कपड़ों से कर सकते हैं जिन्हें आज तक हम बेकार समझते थे। तो आप उन कपड़ों को फेंकिए नहीं, आप उन कपड़ों का रीयूज करिए। तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा और कमेंट में लिख के बताइएगा कि हम ननद भाभी का ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और अगर आपको कोई सजेशन देना है या आपको किस टॉपिक पे और वीडियो देखना है तो वो भी हमें कमेंट में लिख के बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।